फिटनेस की उन खबरों का जिसमें सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का समाज पर व्यापक असर हुआ है। साल की 10 बड़ी खबरों को लेकर डीडी न्यूज ने सोशल मीडिया पर पोल कराया था, जिसके नतीजे आ चुके हैं। हम पेश कर रहे हैं आपके लिए 10 उन बड़ी खबरों का काउंटडाउन। आप देखिए इस काउंटडाउन को और मुझे दीजिए इजाजत। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। गांव, गरीब और किसान पर केंद्र सरकार का खास ध्यान है। किसानों को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। किसानों के लिए उठाए गए कदमों में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। भारत सरकार की ऐसी पहल जिसके तहत न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रतिवर्ष किसानों को 6,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। दो अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता को अनूठी कार्यांजलि दी और खुले में शौच से मुक्त ग्रामीण भारत बापू को समर्पित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल शौचालयों का निर्माण ही काफी नहीं है, बल्कि इनके उपयोग को आदत का हिस्सा बनाना भी बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि भारत ने बड़े पैमाने पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत 60 महीने में 60 करोड़ से अधिक लोगों को शौचालय मुहैया कराने के लिए 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाकर पूरी दुनिया को चकित कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान के चलते देश की उत्पादकता बढ़ी है, गांव गरीब की सेहत में भी सुधार हुआ है। जलवायु परिवर्तन से जूझती दुनिया, बड़ी चुनौती बनकर खड़ी पेयजल की समस्या। इससे पहले कि बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाए इंसान, मोदी सरकार ने जल संरक्षण को बनाया अपना मिशन। इस मुद्दे पर मोदी सरकार की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहली बार देश में जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया। मंत्रालय ने जल संरक्षण को लेकर देशव्यापी अभियान छेड़ा है। ये अभियान दो चरणों में चल रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण के लाभ के बारे में जन जागरूकता पैदा करना, जल संसाधनों का संरक्षण और देश में हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराना है। बेहद कम वक्त में ही कई स्थानों पर इसके सकारात्मक परिणाम नजर आने लगे हैं। तीन तलाक की तलवार मुस्लिम महिलाओं पर सदियों से लटकती आ रही थी। जुबान से चलाया जाने वाला तीन तलाक का ये तीर ना जाने अब तक कितने घरों का सुकून उजाड़ चुका था। कितनी बहन, बेटियां और माताओं को दर दर भटकने और सिसकने पर मजबूर कर चुका था। सती प्रथा की तरह समाज की इस बड़ी कुरीति को जड़ से उखाड़ फेंकने पर मोदी सरकार ने पिछले कार्यकाल में ही भरसक प्रयत्न किया था, लेकिन विपक्ष के अड़चनों के कारण ये विधेयक संसद से पारित नहीं हो पाया था। जब दोबारा सरकार बनी तो इस मुद्दे को प्राथमिकता देते हुए तीन तलाक से संबंधित विधेयक को संसद से पारित कराकर कानून बनाया गया। कानून में तीन तलाक का अपराध सिद्ध होने पर संबंधित पति को 3 साल तक की जेल का प्रावधान है। केंद्र सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कड़े कदम उठाती रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का आह्वान करते रहे हैं। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए सरकार द्वारा अभियान चलाया गया। उन नौकरशाहों को अनिवार्य तौर पर सेवा से निवृत्त कर दिया गया जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के साथ ही गुड गवर्नेंस और क्लीन गवर्नेंस की तरफ सरकार का ये अहम कदम माना गया। क्लीन एनर्जी यानी स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जीएसटी परिषद ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर जीएसटी की दरों में बड़ी कटौती की। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई। ऑटो उद्योग के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्रोत्साहित करने के लिए सरकार का ये बड़ा कदम है। प्रदूषण से निपटने में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कारगर साबित हो रहे हैं, लिहाजा सरकार इसे बढ़ावा दे रही है। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण लोगों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण देने का बड़ा फैसला किया गया। चुनाव से पहले सरकार के इस फैसले को पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण सुनिश्चित करने वाला संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ। इसमें सालाना 8 लाख रुपए से कम आयु वाले सवर्णों को आरक्षण देने का प्रावधान है।
देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया। शांति के प्रहरी सीआरपीएफ जवानों का कारवां गुजर रहा था तो पुलवामा में घात लगाए आतंकियों ने कायराना हरकत करते हुए जवानों की गाड़ी पर हमला कर दिया। 40 शहीदों का पार्थिव शरीर जब देश के कोने कोने में पहुंचा तो समूचा भारत उबाल खा गया। गम के इस माहौल में वीरों का खून व्यर्थ नहीं जाएगा कि जय जयकार गूंजने लगी और आतंकियों पर लगाम लगाने की मांग बढ़ने लगी। शहादत का बदला लेने और आतंकियों को सबक सिखाने का फैसला हुआ। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 जेट्स ने नियंत्रण रेखा पार कर बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी शिविर पर हमला बोल दिया। हमले में आतंकियों के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। सैकड़ों आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया। भारत ने इसे गैर सैन्य हवाई हमला बताया। सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में उत्पीड़न का शिकार होकर भारत आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए नया कानून बनाया। सरकार ने इसके लिए नागरिकता संशोधन विधेयक संसद से पारित किया जो अब कानून बन चुका है। इस कानून के तहत इन तीनों देशों से विस्थापित हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता हासिल हो सकेगी। इनमें धार्मिक प्रताड़ना के शिकार वे लोग शामिल हैं जो 2014 तक भारत में आकर बस गए हैं। इस कानून के तहत इन सभी धर्मों के शरणार्थियों को बिना किसी वैध दस्तावेज के भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। जो देश में दो निशान दो विधान का प्रावधान करता था, जो जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से अलग करता था, जो पिछले 7 दशक से केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को ठीक से लागू करने में बाधा उत्पन्न करता था, जो धरती के स्वर्ग में आतंकवाद को पनाह देता था, या फिर यूं कहें कि जो जम्मू कश्मीर राज्य के विकास में सबसे बड़ी अड़चन था, वो अनुच्छेद 370 था। सत्ता में दोबारा वापसी के बाद ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म कर दिया। ये देश के लिए अविस्मरणीय पल था जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर में धारा 370 को निष्क्रिय करने के लिए राज्यसभा में एक प्रस्ताव रखा। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति ने इस पर मुहर लगाई। राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया गया। लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना जबकि जम्मू और कश्मीर विधानसभा के प्रावधान के साथ केंद्र शासित प्रदेश बना।